जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं फिलहाल पुरी में और हम लोगों ने पुरी में काफ़ी इन्जॉय किया। और आज ये भी एक लास्ट स्टेशन है, आप देख सकते हो स्टेशन के आगे ट्रेन्स नहीं जाती हैं क्योंकि समुद्र ही समुद्र है और यहां से ये प्लेटफॉर्म शुरू होता है पूरा वगैरह। ट्रेन्स का जो सिलसिला आपको यहीं से देखने को मिलेगा। आज हम लोग सफ़र करने वाले हैं पुरी ओखा एक्सप्रेस में, जिसमें हम लोग पुरी से विशाखापट्टनम तक ट्रैवल करने वाले हैं। विशाखापट्टनम भी ऐसे एक टर्मिनल स्टेशन है क्योंकि उसके आगे भी समुद्र ही समुद्र है। और पुरी में हम लोगों ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। मेन मुद्दा हमारा वही था कि हमें कैसे भी करके भगवान के दर्शन करने हैं, इसीलिए हम लोग पुरी पहुँचे थे। उसके बाद समुद्र किनारे हम लोग रुके, इन्जॉय किया काफ़ी पुरी शहर को, और खाने पीने की सभी चीज़ें मैंने आपको दिखाई जो व्लॉग अपने सत्या हम सफ़र चैनल में देखा होगा। फिलहाल इस सफ़र की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं पुरी रेलवे स्टेशन से, जो कि एक लास्ट स्टेशन है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हमारी पुरी ओखा एक्सप्रेस जाएगी। यहीं पे आपको आईआरसीटीसी का फूड प्लाजा मिल जाएगा, स्टेशन के बाहर एटीएम वगैरह की सुविधाएं मिल जाएंगी, तो पुरी में ओवरऑल आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ट्रेन हमारी लग चुकी है, ट्रेन का यहाँ से 9:50 AM पे डिपार्चर है। चलिए एक नई यात्रा को शुरू करते हैं, जिसमें बहुत सारी कमाल चीज़ें आपको इंतजार कर रही हैं, जैसे कि चिल्का लेक हमें शुरू में ही देखने को मिलेगी और बहुत सारे समुद्री नज़ारे आपका इंतजार करें। चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। पुरी लास्ट स्टेशन है, इसलिए सभी ट्रेनें देखिए यहाँ पे ऐसे एंड हो जाती हैं और इसके आगे ट्रेन नहीं जा पाती हैं। लोकोमोटिव जो रिवर्सल होता है वो इस मिडिल ट्रैक से किया जाता है, इंजन वापस सामने की ओर जाकर ट्रेन में लगा दिया जाता है। देखिए कितने सारे लोकोमोटिव्स यहाँ पे आज एक ही डायरेक्शन को फेस करके खड़े हैं। और ये रही अपनी पुरी ओखा द्वारका एक्सप्रेस। तो ये रहा आज का अपना कोच, जिसमें मिडिल बर्थ और ये अपर बर्थ है अपनी, जिसमें जर्नी करने वाले हम लोग। बाकी साफ़ सफाई तो काफ़ी अच्छी लग रही है और ट्रेन से कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी लगाए गए हैं, तो ओवरऑल खूबसूरत तो लग रहा है कुछ। खैर इसमें जर्नी करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। पुरी से बहुत सारी यादों को साथ लेकर के अपनी पुरी ओखा एक्सप्रेस अब निकल चुकी है, बिल्कुल राइट टाइम 9:50 पे। और दूसरी तरफ यहाँ पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है पुरी से चलकर शालीमार के बीच जाने वाली धौली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। धौली एक्सप्रेस भी काफ़ी कमाल की ट्रेन है, कभी मौका मिला तो इसमें भी जर्नी ज़रूर करेंगे। सांतरागाछी का WAP-7 इसमें लगा हुआ है। चलिए इधर अपना भी प्लेटफॉर्म जो है वो ख़त्म होने वाला होगा, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से अपनी ट्रेन छूटी है। सामने पुरी हटिया तपस्वनी एक्सप्रेस के रेक्स खड़े हुए हैं और इधर पुरी अहमदाबाद एक और एक्सप्रेस। एक्चुअली रूट्स बहुत सारे हैं पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस के, कई रूट्स में चलती है। वहाँ पे कोच वॉशिंग प्लांट, सामने लोकोमोटिव्स भी बहुत सारे खड़े हैं पर यहाँ कोच वॉशिंग प्लांट देख सकते हैं पुरी का, ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट। बहुत सारी यादें आज पुरी से हम लोग संजो करके अपने इस सफर में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चीज मुझे काफी बढ़िया लगी कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए CCTV कोचेस में लगे हुए हैं। बाकी ट्रेन अपनी पुरी से अब अच्छी खासी रफ्तार में निकल रही है। दोस्तों इसमें है पुरी के सबसे मशहूर खाजा स्वीट। चलिए जल्दी से ट्राई करते हैं उसे, आपको बताता हूँ कैसी है और दिखने में कैसी, क्योंकि कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि खाजा स्वीट आखिर है क्या। तो कुछ ऐसे दिखती है और मीठी एकदम स्वाद इसका, चलिए आपके सामने एक बार टेस्ट हो जाए, क्योंकि क्वालिटी तो कल हमें ताज़ी ताज़ी दी थी तो काफ़ी अच्छी देखिए, हाथ से भी टूट रही है। ऐसा लग रहा है सूखी जलेबियां खा रहा हूँ, लेकिन स्वाद काफी अच्छा है, बिल्कुल रिकमेंडेड है। पुरी आएंगे तो जरूर ट्राई कीजिएगा इसे।
और अब से कुछ ही समय में हम लोग खोरदा रोड भी पहुंचने वाले हैं जो लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर है पुरी से। वहां पे अपनी ट्रेन का रिवर्सल भी होगा, ये सभी चीजें आप लोग देखेंगे। चल जल्दी से इसे फिनिश कर लेता हूं। दोस्तों यहाँ ट्रेन की चाय संदीप भाई ने ट्राई की है, भाई कैसी थी? ट्रेन के हिसाब से काफी अच्छी है। मतलब कभी होता है कि स्टेशन पे भी ऐसी चाय नहीं मिलती है जो ये ट्रेन के अंदर चाय मिली है। अच्छा, मतलब ट्रेन के अंदर ये जो चाय मिली है ये स्टेशन की चाय से भी काफी अच्छी है, तो रिकमेंडेड है भाई इस ट्रेन की चाय आपके लिए, जरूर ट्राई कीजिएगा। और स्टेशन से बेहतर रहेगा आप ट्रेन की चाय को ट्राई कीजिए। वैसे अभी हम लोग खुर्दा रोड पहुँचने वाले हैं गाइस। यहाँ पे बाईपास लाइन भी बनाई जा रही है, इससे खुर्दा बिना आए भी फ्यूचर में ट्रेनें सीधा निकल जाया करेंगी विशाखापट्टनम लाइन की ओर। काफी अच्छा खासा कर्व है खुर्दा अराइवल पे, यहां से आप कोचेस भी गिन सकते हो ट्रेन के। तो गाइज ये जो ट्रैक आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इसी में अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं, ये विशाखापट्टनम की ओर जा रहे हैं। और हम लोग फिलहाल खुर्दा जंक्शन पहुंच रहे हैं, इसलिए ये जो रूट है आपस में यहाँ मिल जाते हैं, पुरी वाली लाइन और विशाखापट्टनम वाली लाइन। सीधा जो रूट है वो भुवनेश्वर की ओर चला जाता है। यहाँ उड़ीसा में अनाउंसमेंट हो रहा है अपनी ट्रेन का उड़िया लैंग्वेज में। यहाँ पे अपनी ट्रेन आ चुकी है अभी खुर्दा रोड, और यहाँ पे फिश बिरयानी मैंने पहली बार किसी स्टेशन में मिलते हुए देखा। फिश की बिरयानी अवेलेबल है, बाकी अंडा की बिरयानी, वेज बिरयानी, समोसा, ये सभी चीज़ें स्टेशन में अवेलेबल है। रबड़ी भी इनफैक्ट अवेलेबल है, तो जो चीज़ आपको पसंद है आप प्रेफर कर सकते हो अपनी ट्रेन जर्नी के दौरान। जंक्शन क्यों ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अच्छा खासा हॉल्ट है यहाँ पे हमारी ट्रेन का। लोकोमोटिव जो है वो चेंज हो चुका है, डायरेक्शन रिवर्स करने वाले हैं और बढ़ने वाले हैं अब चिल्का लेक की ओर। भाई जिसके लिए हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं, चिल्का लेक की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। मिलता हूँ आप लोगों से ट्रेन के डिपार्चर पे। बाकी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है यहाँ बिरयानी और समोसा, दो चीज़ मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ, वो चीज़ आप भी ट्राई कर सकते हो, अगर भूख लगी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों यहाँ 11 बजे हम लोग निकल चुके हैं खुर्दा रोड से। आपको मैं दिखाता हूँ पुरी वाली लाइन जो हमसे अलग हो जाती है। अपना डिपार्चर हुआ है वहाँ पे, धौली एक्सप्रेस भी खुर्दा के आउटर पे आ चुकी है। पूरी से शालीमार जो हमें पूरी डिपार्चर पे देखने को मिली थी। सामने किसी ट्रेन से अपनी क्रॉसिंग भी हो रही है, यह है सिकंदराबाद भुवनेश्वर विशाखा एक्सप्रेस। खाना खाते खाते ऐसी खूबसूरत सी रेल क्रॉसिंग, तो मतलब यही कुछ चीज़ें हैं जो एक रेल जर्नी को और स्पेशल बनाती हैं। कई लोगों को ब्रिज से भी डर लगता है, तो भाई कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर जिसको ब्रिज से डर लगता है। गजब की रफ्तार में निकली यशवंतपुर हावड़ा अपनी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, और हम लोग धीरे धीरे गुजर रहे थे और
हरियाली कम है लेकिन सुंदरता कम नहीं है, क्यों कुछ ही समय में हम लोग बालू गाँव पहुँचने वाले हैं। यार झालमुड़ी भाई उड़ीसा स्टाइल की, पूरा तीखा कर देना ठीक है, इतना सारा वैरायटी आइटम इसमें पड़ता है पूरा। और मेन चीज़ है सरसों का तेल। तो गाइस उड़ीसा में सफ़र कर रहे हैं तो झालमुड़ी तो बनती है, और ट्रेन की 20 रुपए की झालमुड़ी, चलिए टेस्ट कर लेते हैं कैसी है। स्वाद काफ़ी बढ़िया है और वही यूपी बिहार वाला स्टाइल है, मतलब इसमें सरसों के तेल से बनाया गया है, काफ़ी अच्छा स्वाद आ रहा है, बिल्कुल रिकमेंडेड है, ज़रूर ट्राई करिएगा अपनी जर्नी के दौरान। बिल्कुल जैसा सही, काफ़ी अच्छा स्वाद है। यहाँ पे 11:44 का अपना टाइम था, डिले काफ़ी हो चुका है, 12:20 में हम लोग बालू गांव पहुँच रहे हैं। यहाँ हम लोग बालू गांव पहुँच चुके हैं, चिल्का लेक जिसको जाना है भाई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, और यहाँ से लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर है चिल्का लेक। तो जिनको इन लोगों को चिल्का लेक जाना है यहीं पर उतरना, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को पूरा करें और ट्रेन को बोर्ड कर लें तुरंत ही, ठीक है। बाकी यहाँ पे मुझे कोई चीज़ दिखी थी, देखते हैं मिल पाई तो लेंगे ज़रूर। इस बालू गांव का ये काफ़ी सही लगा मुझे देख करके, तो मैंने ले लिया तुरंत फटाक से, और बोंडे भी ले लिए बालू गांव की बालू शाही। हाँ कैसा है स्वाद? अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। नीचे बोंडे भी हैं, थोड़ा मीठा थोड़ा स्पाइसी। ये पता है ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये सख्त होता है लेकिन यहाँ पता नहीं कैसे अच्छा लग रहा है, क्या बोलते हैं इसको? पता नहीं यार, मैं जल्दी जल्दी में देखा स्टेशन ले आया। तो गाइस बालू गांव में ये चीज़ अपने को मिल गई है, जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं कैसा इसका स्वाद। संदीप भाई को तो काफ़ी पसंद आया। रसगुल्ला नहीं लग रहा? बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, कह रही है लिक्विड बालू शाही, पर एकदम लग रहा है गुलाब जामुन खा रहा हूं बैठ के ना। इसको डिप कर दिया गया उसमें, बढ़िया पत्ते में सर्व किया गया, एकदम सीरे में तैर रहा था, काफ़ी अच्छा स्वाद है, इसलिए ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, बाकी अच्छा लग रहा है। और घूमने आ रहे हो ये भी ले सकते हो, काफ़ी अच्छा स्वाद है। और मैं बोल रहा हूँ अगर ये गर्म होता ना मज़ा आ जाता, तो ये बहुत ही बढ़िया लगता और अच्छा लगता। तो गाइस स्वीट के बाद बारी है थोड़ा स्पाइसी ट्राई करने का, आलू बोंडे भी मिल गए थे, बिल्कुल वर्थ है यार। बालू गांव का वो बालू शाही कहे या रसगुल्ला कहे उसे या पूड़ी कहे मीठी, वो भी स्वादिष्ट थी और ये भी काफ़ी अच्छा है यार, बिल्कुल वर्थ रहा एक्सपीरियंस। अब बारी चिल्का लेक देखने की, चलिए जल्दी से चलते हैं। किस्मत अच्छी थी इसलिए अपनी ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट तक लगभग रुक गई, अब बढ़ चले हम लोग चिल्का की ओर। यहाँ से चिल्का लेक जो है वो शुरू होती है, समय देख लीजिए आप लोग, देखते हैं कितना टाइम लगेगा इस पार करने में। तो दोस्तों यहाँ हमारी ट्रेन अब खूबसूरत सी चिल्का झील से होकर गुजर रही है, भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी खुर्दा और गंजाम ज़िले में स्थित एक अर्ध खारे जल की अनूप झील है, इसमें कई धाराओं से जल आता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी में जो बहता है, इसका जो क्षेत्रफल है 1100 वर्ग किलोमीटर का है, और ये एक सबसे बड़ी तटीय अनूप झील और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्ध खारी अनूप झील है। चिल्का भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है, साथ ही साथ इसकी जो लंबाई है 65 से 70 किलोमीटर की है, और इसकी चौड़ाई 9 से 20 किलोमीटर की है, और गहराई लगभग 2 मीटर की है। इसे दया और भार्गव नदी से जल प्राप्त होता है, और यहाँ पर हमारी भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। मतलब अगर आप किसी ट्रेन जर्नी में आ रहे हैं और इतनी खूबसूरत सी झील अगर आपके बगल बगल दूर तक चलती रहे तो और क्या चाहिए, ऐसे में अच्छे स्नैक्स चाहिए और इन नज़ारों को आनंद करने के लिए साथ में दोस्त चाहिए, दोनों ही चीज़ें हमारे साथ है। और इस खूबसूरत सी चिल्का नदी के नज़ारों को इन्जॉय करते हुए हम लोग अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस ट्रेन को लेने के पीछे मेरा सबसे पहला मकसद यही था कि चिल्का लेक आपको दिन में दिखा पाऊँ,
सच में बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवेज़ ने इतनी अच्छे तरीके से रेलवे लाइन को इसके बगल बगल गुजारा है। और इतना ही नहीं, अगर आप बाई रोड भी आ रहे हैं ना, तो आपको यहीं से होकर के गुजरना है और इन्हीं सुंदर सुंदर नज़ारों से होकर के गुजरना है। सच में ये एक वाकई में यादगार जर्नी हमारे लिए रही है, और मानसून में अगर इसको एक्सप्लोर किया जाए तो बात ही कुछ और होगी। वैसे विशाखापट्टनम से अरकू वैली के लिए विस्टाडोम वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस चल रही है, अगर आप लोग कहें तो वहाँ तक भी पहुँचा जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, जो लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पहुँचें। बाकी फ़िलहाल अभी ये लेक ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमारे साथ बहुत दूर तक चलने वाली है। वैसे में आप लोग इस लेक को तो कम्प्लीटली इन्जॉय करिए, साथ साथ ट्रेन के ट्रैक साउंड्स को भी इन्जॉय करिए। तो आप लोग जर्नी इन्जॉय करिए, मैं आपसे जल्द ही मिलता हूँ। चिल्का झील मुख्य रूप से प्रवासी पक्षियों के लिए एक अच्छी जगह है। इस झील में हर साल लाखों की संख्या में पूरे विश्व के कई जगहों जैसे साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, फ्रांस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान आदि स्थानों से पक्षी आते हैं। पक्षियों का आगमन अक्टूबर से प्रारंभ हो जाता है और फरवरी तक चिल्का झील में ही रहते हैं। यहाँ पक्षियों की अनगिनत प्रजातियों को इस दौरान देखा जा सकता है। पक्षियों के झुंड को देख पाना अपने आप में काफ़ी रोमांचक अनुभव तो है ही, लेकिन खैर हम लोग ट्रेन से तो उसे नहीं देख पाए। वैसे यहाँ पे डॉल्फिन्स भी हैं, डॉल्फिन्स तो खैर किसे नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी अभी हो पाए तो ज़रूर चिल्का लेक में पहुँचेंगे और उसका भी एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों अभी जाकर के चिल्का लेक जो है यहाँ पे समाप्त होती है। लगातार इतनी देर से हमारे साथ चल रही थी चिल्का लेक, हम लोगों ने 120 रुपीज़ की थाली ऑर्डर की थी, हम दोनों इसी में एडजस्ट कर लेंगे। बाकी देखते हैं क्या क्या है इसमें, पराठे हैं और साथ में इसमें क्या दिया गया, इसमें शायद मुझे लग रहा है कोई ड्राई सब्जी होनी चाहिए। फिर 120 रुपीज़ की थाली है, हाँ उसमें ड्राई आलू की सब्ज़ी है, भुजिया जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें लगता है दाल चावल होना चाहिए। ओहो, काफ़ी अच्छा लग रहा है, वैसे देखते हैं स्वाद कैसा है इसका। ईस्ट कोस्ट की गाड़ियों में खाना पीना काफ़ी अच्छा मिलता है जैसा मैंने सोचा था, और एक्चुअली इसमें भी काफ़ी बढ़िया है। 10/10 बिल्कुल रिकमेंडेड है। आलू भुजिया की सब्जी भी काफ़ी अच्छी है और जो मिक्स वेज की ग्रेवी है वो भी काफ़ी अच्छी है। बारी बस थोड़ी दाल टेस्ट कर ली जाए फाइनली। बाकी अभी ये दो सब्जी से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, तो ले तो आप बिल्कुल ही सकते हो इस ट्रेन में खाना। मज़ा आ गया भाई चिल्का लेक के नज़ारे के बाद गरम गरम खाना। चलिए बढ़ते हैं सफ़र में आगे की ओर, बहुत सारी चीज़ें आपका अभी भी इंतजार कर रही हैं। तो यहाँ हम लोग ब्रह्मपुर शहर पहुँचने वाले हैं। ब्रह्मपुर के आउटर पे काफ़ी खूबसूरत सा कर्व है और धीरे से प्लेटफॉर्म में अपनी एंट्री होगी। अब दूसरी तरफ भी काफी साफ सुथरा प्लेटफॉर्म लग रहा है ब्रह्मपुर का। वहाँ कोई ट्रेन खड़ी है जिसके डिपार्चर का जो हॉक है वो यहाँ पे आपको सुनाई दिया होगा काफी तेजी से। दूसरी तरफ जो ट्रेन है वो है कन्याकुमारी हावड़ा एक्सप्रेस, जिसके हॉक की आवाज आपको सुनाई दी थी। दोस्तों ब्रह्मपुर में ये देखिए हाल भाई, कितनी सारी भीड़ केवल इसी ट्रेन के लिए। उतरने वाले चढ़ने वाले दोनों का ही रेला लगा हुआ है और यहाँ पे भीड़ जो है भाई इस ट्रेन के लिए जो उमड़ पड़ी है ना, देख के मज़ा आ गया। सारी भीड़ जो है वो ट्रेन में अब घुस चुकी है और इसे ब्रह्मा जी का घर कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम ब्रह्मपुर रखा गया है। यहाँ पर हमारा अराइवल टाइम तो खैर 12:25 का था, पर लगभग एक घंटे का डिले यहाँ पे हमें ऑलरेडी हो चुका है और 1:30 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे। कुछ समय में यहाँ से चल भी देंगे। बाकी ओवरऑल यहाँ तक जो जर्नी एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा था, खाना पीना ट्रेन का काफ़ी बढ़िया था। अब देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें आपका इंतजार कर रही हैं।
तो यहाँ हम लोग पलासा रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, पर प्लेटफॉर्म जो है थोड़ा इस तरफ आया है। मतलब ये गाड़ी हर स्टेशन में इसमें भयंकर यात्री चढ़ते हैं। दोस्तों 2:15 का अपना टाइम था पलासा पहुंचने का, और यहाँ पे 2:33 यानी 2:33 पे अपनी गाड़ी पहुंची है। लगभग 15-20 मिनट का डिले जो यहाँ आते आते हुआ। धूप काफ़ी खिल के निकल आई। और मैं आप लोगों को बता दूँ, पलासा जो है अपने ड्राई फ्रूट्स के मार्केट के लिए फेमस है, स्पेशली काजू। यहाँ पे काफ़ी सस्ते रेट में, काफ़ी अच्छे रेट में आपको मिल जाता है। खैर स्टेशन में तो वो रेट्स आपको नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हाँ ऑफलाइन मतलब बाहर मार्केट में अगर आप पहुंच पाते हैं, अगर आप यहां से कोई ट्रेन का भी चेंज कर रहे हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये सभी चीज़ आपको यहाँ मिल जाएंगी। साथ ही साथ स्टेशन में आपको पार्लर में दूध पानी ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी, और ड्राई फ्रूट्स के नाम पे रोस्टेड काजू वगैरह भी मैंने पीछे स्टेशन में देखे, बिरयानी, वेज बिरयानी, रोटी, सब्जी, ये सभी चीज़ें स्टेशन में अवेलेबल है। तो यहाँ से अगर कुछ खाना पिक करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी चलिए मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर पर, मात्र 2 मिनट का यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है। जी भाई, हमारे ड्राई काजू मतलब मसाला काजू ले आए हैं। ये 150 रुपये के पड़े, ये लगभग होंगे 100 ग्राम, 100 से 150 ग्राम, तो 1000 रुपये किलो। वैसे कुछ सस्ता नहीं है यहाँ पर, मसाला काजू के हिसाब से सस्ता है। इसे टेस्ट भी करेंगे। फिलहाल देख लीजिए आप लोग पलासा डिपार्चर। वैसे दोस्तों पलासा से हम लोगों ने कुछ कैशूज़ लिए थे, इनका स्वाद काफ़ी है। अगर आप लोग भी ट्रैवल कर रहे हो तो ट्राई कर सकते हो, मतलब ऑन बोर्ड ऐसे अच्छे काजू मतलब जिसमें मसाला वगैरह पड़ा हुआ है मिल जाएंगे। जो इवनिंग है काफ़ी अच्छी हो जाएगी, चाय वगैरह के साथ ट्राई कर सकते हो। इनको कोक पसंद है, आप उसके साथ ट्राई कर सकते हो। बाकी ट्रेन में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब से कुछ ही समय हम लोग विजयनगर हम पहुँचने वाले हैं, वहाँ पर दिखाता हूँ अराइवल और एक खूबसूरत सा रूट वहाँ पर आके मिलता है। जिन लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बाकी अराइवल के टाइम पर मैं बताता हूँ जल्दी।
सामने जो आप लाइन आती हुई देख रहे हैं ये आ रही है रायगढ़ा तितलागढ़ वाली लाइन से। कुछ दिन पहले मैंने समता एक्सप्रेस में जर्नी की थी और आप लोगों को नागपुर से विशाखापट्टनम तक की जर्नी दिखाई थी। उसमें इस रूट को हम लोगों ने डिटेल में कवर किया था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक बार ये जो ट्रैक है जैसे अभी हम लोग आ रहे हैं इस ट्रैक से भी आती हुई किसी ट्रेन में जर्नी करके ये चीज़ आपको ज़रूर दिखाऊँगा। चलिए पहुँचने वाले हम लोग विजयनगरम। अब जंक्शन क्यों कहते हैं मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। और यहाँ हम लोग अब पहुँच चुके हैं विजयनगरम जंक्शन। पुरी ओखा द्वारका सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपनी विजयनगरम जंक्शन अब आ चुकी है। विजयनगर में हुआ ये कि भाई जो पैसेंजर हैं एक हमारी ट्रेन में हमारे साथ चढ़े थे वो पूरी से अब तक लेटे हुए हैं सीट ऑक्यूपाई करके, और जो साथ में जो को पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे उनको बहुत डिस्टर्ब किया भाई, उनको उनकी सीट में बैठने नहीं दिया गया, टीटी वगैरह को बुलाया गया। उसके बाद मतलब काफ़ी बवाल हुआ ट्रेन में। फाइनली विजयनगर में आरपीएफ आई थी और अच्छे से उन्हें समझा दिया गया है कि भाई 8 से 8 जो होता है वो सभी यात्री उसमें अपनी अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। अगर आपकी लोअर बर्थ भी है तो आप उसमें सो नहीं सकते, आपको नींद आ रही है, बाकी पैसेंजर से एडजस्ट करके आप अपर बर्थ में साइड अपर में सो सकते हैं, लेकिन बैठने वाले को आपको डिस्टर्ब करने का हक नहीं है। इस चीज़ का आप भी ध्यान रखिएगा। अगर आप थके हैं रिक्वेस्ट करके ऊपर सो जाइए, लेकिन सुबह 8 से रात 8 तक आप पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, सोने के लिए जगह तो देनी ही पड़ेगी। खैर यहाँ पर थोड़ा 15-20 मिनट का अपना डिले हुआ था विजयनगरम में। 4:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अगला स्टॉप अपना है विशाखापट्टनम, वहाँ आप लोगों से मुलाकात करते हैं। गोदावरी एक्सप्रेस विशाखापट्टनम हैदराबाद। दोस्तों ये है विजयवाड़ा का लोकोमोटिव शेड। यहाँ पे आपको तरह तरह के लोकोमोटिव देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी बड़ा लोको शेड है और बहुत ही खूबसूरत शहर भी है, मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ और एक तरफ समुद्र भी। और ये देखिए वहाँ पे WAP-4 WAP-7 सभी लोकोमोटिव एक साथ। यहाँ पे विशाखापट्टनम से का डीजल लोकोमोटिव और यहाँ कानपुर का WAP-7। लाइन से इतने सारे लोकोमोटिव जो हैं एकदम रेडी हैं और हमारी ट्रेन का भी यहाँ पर रिवर्सल होता है एक्चुअली। तो जिस डायरेक्शन से भी ट्रेन आ रही है वापस चली जाएगी इसी डायरेक्शन में, और उसके बाद विजयवाड़ा में एक और बार ट्रेन का रिवर्सल होगा। फिर हमारी ट्रेन हमारा प्लेटफॉर्म अराइवल भी हो रहा है, पहले वो देख लेते हैं। यहाँ 470 किलोमीटर की दूरी को तय करके आधे घंटे के डिले के साथ 5:45 हम लोग पहुँच गए हैं विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। ये भी एक लास्ट स्टेशन है, इसके आगे ट्रेन नहीं जाती हैं, एक नया लोकोमोटिव ट्रेन में इस तरफ लगाया जाएगा और ये अपने सफ़र की ओर निकल जाएगी। विजयवाड़ा में फिर से ट्रेन का रिवर्सल होगा, उसके बाद बल्हारशाह वर्धा जलगांव सूरत के रास्ते ट्रेन निकल जाएगी आगे अहमदाबाद के रास्ते ओखा तक। कुछ कुल मिला के इस तरह का रहने वाला इस ट्रेन का सफ़र।
बाकी यहाँ तक आपको मेरे साथ ये जर्नी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। काफ़ी थक गया हूँ, जल्दी से होटल जाना है, रेस्ट करते हैं क्योंकि कल एक और जर्नी शुरू होने वाली है। बैक टू बैक जर्नीज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग के लिए नए रूट्स में नए वीडियोस नए अंदाज में लेकर के आता रहूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर आपकी मर्जी है, अगर इतना अच्छा आपको लगा है कि इसे आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हैं स्टडी द ट्रेन गुरु, वहाँ भी मैं अपनी जर्नी अपडेट्स देता रहता हूँ। मिलेंगे जल्दी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।